शिकार है। इलाके में सड़कें बदहाल हो गई हैं, साफ सफाई नहीं होने से इलाके में गंदगी फैली हुई है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, बावजूद इसके नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, बरसात के चलते यहां पर हादसे का भी डर बना रहता है। संवाददाता अविनाश जगनावत इस बीच हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं, अगर बरसात में इनमें पानी भरता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, हादसों को न्योता दे सकते हैं ये गड्ढे। क्या वजह है कि इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए हिरणमंगली में पिछले करीब एक साल से सीवरेज लाइन डालने का काम चला था जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी जो पैच वर्क जो किया गया है या तो वो घटिया निर्माण हुआ है या फिर कई जगह नहीं किया गया है, और वही परेशानी का सबब यहाँ के वासिंदों के लिए बना हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे किस तरह की परेशानी जो है वो यहाँ पर हो रही है। देखिए पिछले एक वर्ष से पहले यहाँ पे पैचवर्क का कार्य और सीवरेज डालने का कार्य, स्मार्ट सिटी बनाने का काम चालू हुआ था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की सुस्ती और नॉन मॉनिटरिंग प्रॉपर न करने के कारण इन्होंने इस प्रकार का पैचवर्क किया है कि रोज सड़कें धसी हुई है, कई जगह बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, जो आमजन जो गृहिणी महिला उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि बारिश के मौसम में खड्डों में पानी भर गया है, पता नहीं पड़ता कौन सा खेरा गड्ढा कितना गहरा है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन नगर निगम की सुस्ती अभी तक इतनी है कि ना तो पार्षद सुनते हैं, ना कोई अधिकारी सुनते हैं, नगर निगम में कई बार बताने के बाद भी कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। ये उदयपुर का ऐसा वार्ड है हिरणमगरी, जहाँ पिछले 25 वर्षों से एक ही पार्टी के पार्षद है, जनता का पूरा प्यार इनको मिल रहा है, लेकिन इन्होंने ठान रखी है कि अपन सिर्फ जातिगत समीकरण से चुनाव जीत जाते हैं, तो इन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। लोगों का प्यार मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, क्या सही? बिल्कुल, काम वास्तव में नहीं हो रहा है। हाल ही में परसों जब बारिश इतने कम मात्रा में उदयपुर में हुई है, लेकिन ड्रेन सिस्टम बिल्कुल नहीं है, इस वजह से लगभग घुटने घुटने तक पानी भर गया था। और रात को मैंने 2 बजे नगर निगम के आयुक्त साहब को बुलाया और मौके पर जेसीबी बुलवा कर फिर मैंने पानी निकलवाया, मतलब इतने हालात बुरे हैं। हाल ही में कल भी एक जेसीबी उतर गई है, एक बच्चे की स्कूल की बस उसका टायर धस गया है, ये करके हिरणमगर में बड़े हालत ख़राब हो रहे हैं, मतलब पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। नगर निगम ने शायद ये सोच रखा है कि इनको अपन वोट के अपने जो भावना में बह के उनको वोट ले लेते हैं, लेकिन अपन को काम नहीं करने का है और ये काम नहीं करते हैं। क्या रहता है, लापरवाही बनी हुई है? लापरवाही का कारण ये है कि इन्हें हर वार्ड में जातिगत समीकरण होते हैं, तो उस हिसाब से इन्हें हार जीत की कोई परवाह नहीं होती। हर साल 25 साल से उदयपुर में बीजेपी का ही बोर्ड है, तो इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि काम कराने की। लोग आए दिन घिरते रहते हैं यहाँ पे, कीचड़ में फंस जाते हैं लोग, और ऊपर से यहाँ पे सीसो बना रखा है पूरा, चारों तरफ गंदगी गंदगी है, पानी जम जाता है, बाइक तो चलाना ही दुर्लभ हो चुका है पूरे। आप बता भैया किस तरह से परेशानी रहती है यहाँ पे? आए दिन पानी भरा रहता है और टूटी सड़कों से क्या आमजन कोई भी घर से निकलेगा तो किस प्रकार निकलेगा, तो मतलब इस। और इन्होंने जो सीवरेज काम किए हैं उनमें क्या जो बाहर के जो सीवरेज के चैम्बर बनाए वो भी छोटे बनाए, जिससे क्या बारिश में बहुत परेशानी हो रही है। आप बता भैया किस तरह से परेशान जो है वो आप लगातार? नाले खुले रहते हैं, जो गाय और बकरी सुअर वगैरह सब नाले अंदर गिर जाते हैं, और पार्षद को फ़ोन करते हैं तो पार्षद बोलते हैं कि वो ये वार्ड मेरे अंदर नहीं आ रहा, वो में नहीं आ रहा वगैरह, बहुत समस्या है। कल भी गिर गए थे गाय को, फिर नगर निगम वाले आए थे, उन्होंने निकलवाया था। किस तरह से परेशानी यहाँ पे लोगों को? सर आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में सर काफ़ी पानी, बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, कभी कभी कार वाले गड्ढे में गाड़ी डाल देते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, इसकी वजह से नगर निगम को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर हम लोगों के जरिए सुन पा रहे हैं कि नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि लोगों को तमाम समस्याओं का सामना